सूक्ष्म मृद विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज तक की सबसे प्रचंड शक्ति रखने वाली और सबसे ज़्यादा जो प्रचारित है जिसके सामने महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषि को भी आकर्षित होना पड़ा, उस महान शक्तिशालिनी अप्सरा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि सर्वविदित है कि विश्वामित्र जी महान तपस्वी महान शक्तिशाली थे। इसके पहले वह क्षत्रिय थे और एक राजा हुआ करते थे, नाम उनका था विश्वरथ। तो राजा विश्वरथ एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और विश्वरथ महाराज जो थे महर्षि वशिष्ठ के अतिथि बनते हैं। अब महर्षि वशिष्ठ के पास में एक कामधेनु की पुत्री जिसका नाम नंदिनी था वह गाय थी। तो जैसे कामधेनु व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है वैसे ही नंदिनी गाय जो थी वह वशिष्ठ के आश्रम में थी और उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखती थी। आज की जितनी गौ माताएं हैं उनको उनका प्रति रूप माना जाता है और यदि आप लोग उनकी सेवा करते हैं तो निश्चय ही आपके घर में अन्न धन भरा रहेगा। तो नंदिनी केवल दूध ही नहीं देती थी बल्कि मनोवांछित वस्तुओं की पूर्ति भी करती थी। मनुष्य की भाषा में वह बोल भी सकती थी। प्रिय दर्शकों, आपको एक अजीब टाइप की जो आवाज आ रही होगी, कर्कश आवाज, वो कर्कश आवाज हमारे यहाँ हाईवे पर पुल के ऊपर कुछ मशीनें काम कर रही हैं, जेसीबी, और तो कुछ कार्य चल रहा है तो उसको तो मैं रोक नहीं सकता, परंतु उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको साफ शुद्ध मिले, इसलिए मैंने खिड़की दरवाजे इत्यादि से भी बंद कर रखे हैं। फिर भी यदि आवाज़ आ रही हो तो मुझे क्षमा करना और ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब नंदिनी गाय के द्वारा महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वरथ और उनकी सेना को समुचित उनका स्वागत सत्कार किया। तो राजा विश्वरथ ने पूछा कि महर्षि आपके पास में, आप तो कुटिया में रहते हैं, स्वयं आपके पास धन तो है नहीं, कुटिया से इतना कैसे, ये मेरी पूरी सेना के आपने स्वागत कर दिया, अच्छा बढ़िया पकवान मिष्ठान सब खिला दिए। तो उन्होंने कहा कि स्वर्गलोक की जो गाय कामधेनु है उसकी पुत्री नंदिनी मेरे पास में है और इस गौ माता की कृपा से मैं समर्थ हूँ। मनोवांछित पदार्थ बोलते ही प्रकट हो जाते हैं और ये चमत्कारी गाय है। तो राजा विश्वरथ ने कहा कि महर्षि, यह गाय
आपकी कुटिया में क्या कर रही है, ये तो हमारे राजप्रासाद में होनी चाहिए, इसलिए ये गाय आप मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि मैं गाय ये आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आप मेरे राज्य में रहते हैं, आप मेरी प्रजा हैं, तो आपको गाय तो देनी पड़ेगी, मैं कर के रूप में ये गाय लेता हूँ। वशिष्ठ ने कहा कि ऋषि किसी की प्रजा नहीं होता, और ऋषि का आश्रम किसी भी राज्य के अधीन नहीं होता, इसलिए मैं आपको ये गाय नहीं दे सकता। फलस्वरूप राजा ने कहा कि मैं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा, अपनी सेना को आदेश दिया। तो राजा विश्वरथ के 100 पुत्र थे, और वहां क्या हुआ, नंदिनी नाम की गाय को वो जबरन खींच करके ले जाने लगे। तो नंदिनी आर्तनाद करके बोली कि हे ऋषिवर, मेरी रक्षा करो। ऋषि ने कहा कि बेटी, मैं तेरी रक्षा कैसे करूं, मैं तो खुद शस्त्रहीन हूं और ये सभी शस्त्रयुक्त हैं। तो नंदिनी ने कहा कि ऋषिवर, आप आज्ञा करें, मैं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूं। तो महर्षि ने कहा कि यदि बेटी तू अपनी रक्षा कर सकती है तो मेरी आज्ञा है, तू रक्षा कर ले। तो महाभारत पुराण में लिखा हुआ है, आप लोग जा करके इस महाभारत पुराण की जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसमें जाके पढ़ सकते हैं। ये तथाकथित आजकल के जो लोग महाभारत की भाषा टीका वगैरह लिख देते हैं, साधारण नहीं, आप किसी अच्छे संस्थान से जिसकी भाषा टीका हो इस लोक सहित उसको देखें। तो नंदिनी ने फिर क्या किया कि उस समय मलमूत्र किया, और उसमें लिखा है कि हजारों सैनिक उनके मलमूत्र से प्रकट हो गए, गोबर से और गौमूत्र से। चूंकि वह मल के द्वारा उत्पन्न हुए थे इसलिए उनको मलेच्छ कहा गया। तो महाभारत काल में, बल्कि महाभारत में इस घटना का वर्णन है कि ये बात त्रेता युग की होगी, क्योंकि उस समय श्री राम का जन्म नहीं हुआ था, और लेकिन ये महाभारत पुराण में इसका वर्णन है। तो मलेच्छ जाति उस समय भी थी, और इन मलेच्छों ने राजा विश्वरथ की सेना को तितिर बितिर करके मार दिया। राजा विश्वरथ के 100 बेटे भी मारे गए। राजा विश्वरथ ने ऋषि पर आक्रमण किया, तो ऋषि ने अपना ब्रह्म दंड ऐसे हवा में उछाल दिया, और वो ब्रह्मदंड हवा में लटक गया, और जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा छोड़ते थे वो सारे अस्त्र शस्त्र वहाँ पे उस ब्रह्मदंड से टकरा करके नष्ट हो जाते थे। तो महर्षि जो वशिष्ठ के इस चमत्कार से राजा विश्वरथ काफ़ी प्रभावित हुए, उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके और वो ऋषि बन गए। पहले तो वो राजर्षि बने, उनका क्षत्रित्व चूंकि ख़त्म नहीं हुआ था तो क्षत्रित ही कहे जाते थे, परंतु घोर तपस्या उन्होंने की और अंत में उनको ब्राह्मण कहा गया। तो मैं आपको बताता चलूं, तो जब वो ऋषि तपस्या करते थे तो रंभा इत्यादि कई अप्सराएं आईं, जिनको राजा विश्वरथ रूपी महर्षि विश्वामित्र ने श्राप दे करके पत्थर का बना दिया था। तत्पश्चात इंद्रदेव ने अपनी सबसे प्रिय परम सुंदरी मेनका को राजा विश्वरथ के पास भेजा, कहने का तात्पर्य विश्वामित्र के पास भेजा। विश्वामित्र के पास वो इतने अच्छे तरीके से आई, इतना उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी,
कि ये उसको देख करके मोहित हो गए और होनहार बलवान होती है, उनके साथ उन्होंने विवाह किया और फिर उनसे एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला था। बाद में यही शकुंतला का विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से हुआ और उनके एक भरत नाम का पुत्र हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो भरत 2-3 साल के ही थे तभी वो शेर के बच्चों को पकड़ करके उनके दांत को गिना करते थे, स्वमेव मृगेंद्रता ऐसा कहा जाता है, और ये आपको चित्र के रूप में काफ़ी जगह मिल जाएगा। तो उन शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और इस भारतवर्ष के बनने में एक अप्सरा का ही वंश के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा, और ये ऐतिहासिक रूप से सत्य है, कोई इसे मिथक न माने, बिल्कुल नहीं। अब अप्सरा जो इतनी सुंदर थी कि विश्वामित्र जैसे महान ऋषि को, जिसने कि इंद्र से विद्रोह करके नई सृष्टि करने का जिन्होंने प्रण कर रखा था, कुछ सृष्टि उन्होंने की भी थी, बाद में फिर उस कार्य को उन्होंने त्याग दिया था। तो महर्षि विश्वामित्र कृत, महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित ये जो आपकी मेनका अप्सरा की साधना है, यह एक उत्तम कोटि की साधना है, और इस साधना के माध्यम से मेनका सिद्ध होती है और सिद्ध होकर के मनुष्य के जीवन में हर प्रकार की रक्षा, सहायता इत्यादि करती है। आजकल दूषित भावना से साधना करने वाले साधकों की संख्या बढ़ रही है, और सब कोई चाहता है कि YouTube में मंत्र बता दिया जाए, परंतु ये रुचि अच्छा भी नहीं होता। YouTube पर मंत्र बताने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वह इस प्रकार से सिद्ध होने वाली शक्ति है नहीं। तो जब पूर्ण विधान मिले तभी उस साधना को करना चाहिए, और ये चूंकि पूज्य हैं, देवियां हैं, तो पूज्य भाव में ही इनका स्मरण करना चाहिए। हालांकि लोग तीनों स्वरूपों में उनकी, अब कौन कौन से 3 स्वरूप हैं वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप लोग भी तमाम अप्सरा साधना की वीडियो देखते रहते होंगे, तो कैसी कैसी गंदगी लोगों ने फैला रखी है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर साधना करें तो थोड़ा सा पवित्र होकर के करें, पवित्र विचारों के साथ करें, तो ये साधनाएं आपके जीवन में लाभ ही दे जाएंगी, नुकसान नहीं देंगी। इस प्रकार की साधना करने से जीवन में व्यक्ति को अक्षुण्ण यौवन, अक्षुण्ण धन संपत्ति, अक्षुण्ण रूप और दिव्यता प्राप्त होती है। कालांतर में इन अप्सराओं के माध्यम से आपको ढेर सारी और भी साधनाएं उत्तम कोटि की प्राप्त होती हैं, जिनको करके व्यक्ति अपनी मुक्ति को भी सुनिश्चित कर सकता है। तो जो लोग भ्रमित ना हों और वास्तव में साधना करना ही चाहते हैं, तो इस प्रकार की उत्तम कोटि की साधनाओं को करें, और मेरा ये आपसे वायदा है कि अगर ये इन साधनाओं को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होना है, और यदि आप सफल होंगे इन साधनाओं में तो आप एक इतिहास रच सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो से मैं यहीं विदा लेता हूं और मिलता हूं किसी और वीडियो में। हरे कृष्ण, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।